तो गाइस पहला जो अपडेट आया वो आया है शाओमी की तरफ से कि शाओमी अपना जल्दी एक गेमिंग फ़ोन जो है वो निकाल रही है गेमिंग को क्रेज़ को देखते हुए। तो ऐसे में अभी उनका कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है कि गेमिंग फ़ोन कब लॉन्च होगा या फिर कब आने वाला है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन तो दिया नहीं है। लेकिन जो फ़ोन का सीरीज़ का नाम होगा वो होगा शाओमी ब्लैक शार्क, जिसका कुछ अभी जो रिसेंटली जब अभी जो फ़ोन आएगा उसका कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो और मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको जो है वो एंड्रॉयड 8.0 ओरियो मिलेगा, कॉलकम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, एंड्रॉनो 630, रैम 8 GB, रोम 32 GB और 2160x1080p का डिस्प्ले मिलने वाला है आपको इसमें। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी जो कि शाओमी ने रिवील तो नहीं किए, बस रूमर्स के हिसाब से आई है। तो देखते हैं कि कब अपना शाओमी जो है अपना गेमिंग फ़ोन जो है लॉन्च करेगा, लेकिन जल्द ही जो है हमें ये मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं सेकेंड न्यूज़। तो अगला जो अपडेट है वो है वॉर हैमर क्वेस्ट 2 गेम के बारे में, जो कि एंड्रॉयड की गेम अभी जो रिसेंटली 11 अप्रैल को जो है ये गेम एंड्रॉयड के लिए लॉन्च की गई है। इसका जो जो iOS के लिए ये गेम जो है करीब लास्ट ईयर से छः महीने पहले जो है ये गेम iOS के लिए लॉन्च कर दी गई थी, जो कि अभी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल हो गई है। तो आप इसे जो है प्ले स्टोर से जाके जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। तो अगला अपडेट आया है टेंशन गेम्स की तरफ से, जैसे कि टेंशन गेम्स एक गेमिंग कंपनी है जो कि जो पीसी गेम्स है वो एंड्रॉयड के लिए डेवलप करती है, यानी कि सेम टू सेम पीसी गेम्स जो है वो एंड्रॉयड के लिए कम साइज़ में ऑप्टिमाइज़ करके जो है वो हमें देती है। तो ऐसे में जो टेंशन के अपडेट जो आया है वो है कि 5% स्टैक जो है वो यूबीसॉफ्ट से टेंशन गेम ने खरीद लिया है, यानी कि इसमें कुछ गेम्स है जो कि टेंशन गेम्स ने खरीद लिया, जो कि हमें शायद आने वाले कुछ सालों में या फिर कुछ दिनों में हमें जो है वो गेम्स अपने एंड्रॉयड के लिए मिल सके, जो कि पीसी के है, जो कि यूबीसॉफ्ट ने बनाया है, जिसमें रेनबो सिक्स सेज, ऑनर, एसेसिन क्रीड, फार का, इस तरह से जो गेम्स है वो खरीद लिए हैं, ऑफिशियली खरीद लिया है टेंशन गेम ने, जो कि शायद हमें कुछ दिनों में एंड्रॉयड के लिए मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि कब हमारे गेम वो जो गेम्स है वो हमें एंड्रॉयड के लिए मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ रिसेंटली लॉन्चेड एंड्रॉयड गेम्स के बारे में, जैसे कि पहली गेम जो है दो है द एल्डर स्क्रोल्स मोरोविंड, जो कि अभी अभी एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हुई है। उसके बाद जो अगली गेम है वो है एनिमी कैरेक्टर बेस्ड गेम है, जो कि क्रोनोमा GI है, जो कि एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हुई है, लेकिन ये कुछ ही कंट्रीज़ के लिए है, मुझे पता नहीं इंडिया के लिए कब लॉन्च करेंगे, लेकिन जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगी। जो अगला गेम है द रूम ओल्ड सीन्स, ये भी गेम जो है वो हमें एंड्रॉयड के लिए मिल चुकी है, जो कि सिर्फ बीटा टेस्टर को मिल चुकी है। अभी कुछ दिनों में ये पब्लिश भी हो जाएगी और सभी यूजर्स को ये मिल जाएगी। तो आज के लिए बस मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के और गेमिंग न्यूज़ आप मिस ना कर पाए। और ये जो सारी गेम्स के अपडेट्स मैंने बताई है आपको, आपको अगर रीड करनी है तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो, ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ जाके आप ये जो न्यूज़ है वो सारी आर्टिकल जो है पढ़ सकते हो। मिलता हूँ इसी तरह के एक और गेमिंग न्यूज़ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय द डे। Thank you.